सफलता पाने का एकमात्र साधन है प्रयास, और आपके द्वारा किया गया प्रयास आपके और लोगों के लिए महत्वपूर्ण वस्तु बन जाता है। जो प्रयासों में सफलता की संभावना खोजती है वो ना कभी तो थकते हैं और ना कभी हारते, और इस बात का उदाहरण है थॉमस एल्वा एडिशन, जिन्होंने 99 बार असफल होने पर कहा था, मैंने जाना कि बल्ब 99 बार कैसे नहीं बन पाता, और उसके बाद बल्ब का आविष्कार किया जिसने हमारे और आपके जीवन में रोशनी भर दी। ऐसे ही 1% पर सफलता अर्जित करने वाले एक शख्स हैं जिन्होंने 99 बार असफल होके अपनी और अपने टीम के जीवन में खुशियां भर दी, और इसी खुशी का नाम है डायमंड शिप। सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड के डायमंड लीडर मिस्टर विपिन कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में क्लर्क पद पर कार्य करने वाले श्री उमाशंकर सिंह, गांव मनहन जलालपुर जौनपुर, यहां अपनी पत्नी श्रीमती कृष्णा सिंह के साथ रहते, जिनके 4 बच्चे 2 बेटी और 2 बेटे, इन्हीं की तीसरी संतान विपिन का जन्म 2 अप्रैल 1984 को हुआ। पिता शिक्षित थे तो विपिन की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय मनहस से शुरू करवाई। बाकराबाद जूनियर हाई स्कूल से होते हुए शिक्षा का कारवा 82 इंटर कॉलेज तक पहुंचा। इसके बाद जौनपुर औद्योगिक संस्थान से आईटीआई कर ली। इस दौरान मात्र 16 साल की उम्र में विपिन का विवाह संगीता से हो गया, पर विपिन अपनी शिक्षा को जारी रखा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा ले लिया, आय का साधन बनाया और चुनार में इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पद पर नौकरी को ज्वाइन कर लिया। नौकरी लग चुकी थी, आय का साधन मजबूत हो चुका था। समय गुजरा और चुनार से प्रमोशन ले सलूजा स्टील को ज्वाइन कर लिया। यहां से प्रमोशन होकर गैलेट इस्पात गोरखपुर ज्वाइन कर लिया। अब समय आराम से कट रहा था, पर जिम के दौरान अनजान व्यक्ति पन्नेलाल यादव से मुलाकात हुई और सेफ शॉप को जानने का मौका मिला, उसे ज्वाइन कर लिया। अब नौकरी के साथ सेफ शॉप था, पर एक दिन नौकरी के दौरान विवाद हो गया तो नौकरी से सस्पेंड कर दिया। इस दौरान 4 महीने घर बैठे रहे तो सेफ शॉप को करने का मन बनाया, लिस्ट ना होने के कारण उसे नहीं कर पाए, पर तब तक विपिन के जीवन में खुशियों के द्वार खुल चुके थे। विपिन एक प्यारी सी बिटिया वैष्णवी के पिता बने। 4 माह घर बैठे रहे, सेफ शॉप करने का मन बनाया, पर उसी कंपनी में फिर से बहाल कर लिया तो सेफ शॉप का साथ छूटने लगा। लिस्ट ना होने के कारण काम नहीं कर पा रहे थे, हौसला टूटने लगा था। अपलाइन रविकांत सर ने समझाया तो समझ आया सेफ शॉप क्यों जरूरी है, लेकिन लिस्ट नहीं थी तो 3 फीट रूल का फॉर्मूला अपनाया। अपने दायरे में आने वाले हर अजनबी को प्लान देना और सेफ शॉप के बारे में समझाना जारी रखा। रिश्तेदार पहले से ही मना कर चुके थे, दोस्तों ने बेकार समझ
पहले ही मना कर दिया था, पर अजनबी भी 90% मना कर दे, पर 1% जीत की उम्मीद से सेफ शॉप करते रहे। प्यासी थी एक कर्ज दिल पे था रखा, पूरा हुआ अपना टूटा सा वो सपना, चुभता जो आंखों में आया था। समय ने रफ्तार पकड़ी और 99% असफलता के बाद 1% लोगों ने डायमंड शिप की उपाधि तक पहुंचाया, बने सेफ शॉप प्राइवेट लिमिटेड में डायमंड लीडर। सागर के देख तो भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख। सागर के देख तो भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख। मैदान भी होगा तेरा, त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम भोज सनूपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मन शिवा। हौसलों की रोशनी बढ़ती जाती, रोशनी बढ़ती जाती, धरती
सुखम प्रदाता सदा बसंतम आया अनंत